हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एक्सरसाइज 3.4। 3.4 से मैंने पहले बताया था आपको पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपीजियम, काइट, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें क्या बताना है ट्रू और फॉल्स। देखो, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं वो सभी स्क्वेयर होती हैं, लेकिन ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वेयर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये किसी किसी कंडीशन में इक्वल हो जाती है, बट हमेशा इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो हम ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, सभी रेक्टेंगल्स को हम स्क्वेयर नहीं बोल सकते, ये हमारे पास क्या है फॉल्स। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, जितनी भी रोम्बस हैं, पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या आता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड रोम्बस के अंदर भी क्या होता है, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अपोजिट भी इक्वल हो गई उसी के अंदर, जब सभी साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड तो हो गई इक्वल, तो क्या बोल देंगे इसको ट्रू। ऑल स्केयर आर रोम्बस, जितने भी स्केयर्स हैं रोम्बस हैं, एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, और जितने भी स्केयर हैं वो सभी रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं, बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक स्केयर की कंडीशन क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस की भी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जब स्केयर हमारे पास है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, कैसे हो सकता है कि उसकी चारों की चारों साइड सेम दे रखी हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा ट्रू। ऑल स्केयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्केयर हैं वो सभी पैरेललोग्राम नहीं है, बट ये फॉल्स है, क्योंकि जितने भी स्केयर हैं वो सभी क्या हैं, पैरेललोग्राम हैं। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या बोल देंगे वो एक पैरेललोग्राम है, बट इसमें तो नॉट पैरेललोग्राम दे रखा है, तो क्या हो गया ये फॉल्स। ऑल काइट्स आर रोम्बस, आपने उसमें पढ़ा था काइट की और रोम्बस का भी के बारे में भी पढ़ा था, तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितने भी काइट हैं वो सभी रोम्बस होते हैं, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि काइट के हमेशा दो एंगल इक्वल होते हैं, और रोम्बस है, रोम्बस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सभी की सभी साइड्स इक्वल होती है, बट डायगनल से नॉट इक्वल। ठीक है, तो जितने भी काइट्स हैं वो सभी रोम्बस नहीं हो सकते, क्या बोल देंगे फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स, लेकिन जितने भी रोम्बस हैं वो सभी काइट हैं, रोम्बस हमारे पास क्या होगा, सभी साइड इक्वल हो गई एंड एंगल भी हमारे पास इक्वल आ जाएंगे अपोजिट, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको काइट भी बोल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड से पैरेलल होती हैं। अब कोई भी पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उसको हम क्या बोल दिए ट्रू। ऑल स्केयर आर ट्रेपीजियम, जितने भी स्केयर हैं वो भी ट्रेपीजियम है, वो भी ट्रेपीजियम होंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम की कंडीशन ये होती है कि अपोजिट साइड टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, बट स्केयर में तो चारों की चारों पैरेलल होती हैं, हमारे पास अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये भी क्या होगा हमारे पास ट्रू। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, आइडेंटिफाई करना है हमें इन क्वाड्रिलेटरल्स को, इनको हम क्या बोल सकते हैं, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब हमारे पास चार साइड हैं और सभी इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केयर एंड रोम्बस, क्या बोल सकते हैं उसको, स्केयर भी बोल सकते हैं और उसको रोम्बस भी। और स्केयर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है कि स्केयर के डायगनल्स भी इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगनल से नॉट इक्वल। ठीक है, स्केयर के जो डायगनल हैं वो इक्वल होते हैं बट रोम्बस के डायगनल नॉट इक्वल होंगे। फोर राइट एंगल्स, चार राइट एंगल हैं, अगर राइट एंगल दे रखे हैं तो किस किस में होता है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है कि 90 डिग्री के एंगल कौन किस किस में होते हैं, रेक्टेंगल और स्केयर में होते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ इज नाउ स्केयर इज, एक स्केयर को हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल, एक स्केयर को हम एक क्वाड्रिलेटरल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। स्केयर इज ए क्वाड्रिलेटरल, जो स्केयर वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है बिकॉज, क्योंकि इट इज क्लोज्ड, वो क्लोज्ड होता है विद फोर लाइन सेगमेंट, चार लाइन सेगमेंट से क्लोज, चार लाइन सेगमेंट से बंद होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल।
ए पैरलोग्राम, एक स्केयर को हम एक पैरलोग्राम कैसे बोल सकते हैं? स्केयर इज ए पैरलोग्राम, जो स्केयर है वो एक पैरलोग्राम होता है इफ कब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको कि वो क्या है कि पैरलोग्राम भी है। नेक्स्ट है ए रोम्बस, स्केयर को रोम्बस कब बोलते हैं? क्योंकि स्केयर की भी फोर साइड्स हैं और इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी स्केयर इज ए रोम्बस, स्केयर एक रोम्बस है बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड है वो क्या होती हैं पैरेलल। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होती है एंड एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल देंगे बिकॉज क्योंकि इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड हैज इक्वल डायगनल्स और उसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे कि रेक्टेंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स, एक क्वाड्रिलेटरल के का नाम बताना है उस डायगनल जिसके डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, किस किस के डायगनल्स होते हैं ऐसे पैरलोग्राम के भी होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वेयर एंड रोम्बस, इन चारों के डायगनल्स क्या होते हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट करते हैं। सेकेंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और वो किसके अंदर है वो कंडीशन स्क्वायर एंड ए रोम्बस के अंदर ये कंडीशन होती है क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो हमारे पास क्या बनाएंगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी जब उनको बीच से ड्रॉ करेंगे डायगनल, ठीक है। आर इक्वल, जिसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, किस किस के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो बीच में से डायगनल ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होते हैं इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक्सप्लेन करके बताना है कि रेक्टेंगल है वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है कैसे। इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में बोथ ऑफ इट्स डायगनल लाई इन इट्स इंटीरियर, हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर से जब हम डायगनल ड्रॉ करते हैं अगर उसके अंदर से डायगनल ड्रॉ होता है, इंटीरियर में डायगनल होता है तो हम क्या बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और अगर एक्सटीरियर होता है मीन्स बाहर से डायगनल ड्रॉ होता है तो उसको हम क्या बोलते थे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है, अगर हम इसके डायगनल ड्रॉ करने हैं तो कहाँ से, अंदर से डायगनल ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो ये दोनों इंटीरियर है, इंटीरियर है इसलिए हम क्या बोल देंगे उसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी हमारे पास क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल, और ओ हमारे पास क्या है कि मिड पॉइंट है, ठीक है, ओ हमारे पास क्या है कि मिड पॉइंट है राइट एंगल का। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट, ओ हमारे पास क्या है इक्विडिस्टेंट है, ए बी एंड सी तीनों से हमारे पास क्या इक्विडिस्टेंट है, द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या है मेक्स ट्रायंगल ए बी सी मेक्स ए रेक्टेंगल, उसको हम एक रेक्टेंगल बना देंगे कैसे, ए बी सी डी बाई द डोटेड लाइन, डोटेड लाइन से जैसे हमारे पास बीच में इसका मिड पॉइंट क्या था ओ था, ओ से हमने क्या कर ली एक लाइन ड्रॉ कर ली, सॉरी ए से बी, ए से डी, सी से डी, बी से सी, जितना ये था इतना ही हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हमने क्या बना दिया एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बना दिया तो बीच में से जो डायगनल्स ड्रॉ होते हैं डायगनल इक्वल होते हैं, इक्वल हैं तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट करते एक दूसरे को कट करते हैं, हैंस ओ इज इक्विडिस्टेंट, तो ओ हमारे पास क्या होगा इक्विडिस्टेंट, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल हैं तो ओ क्या होगा इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट क्या होता है कि सभी से एक जैसी डिस्टेंस पे, ठीक है। मान लिया ओ ये आपके पास 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, और जब ये सभी की डिस्टेंस इक्वल है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई एंड थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।